ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की पुष्टि होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने रूल नंबर 1 के नियम 10 के तहत पक्षकार बनकर अदालत में एक याचिका लगाई और इसकी मांग की कि क्यों ना शिवलिंग की पूजा और भोग की इजाजत दी जाए। इस याचिका को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में कल यानी मंगलवार अदालत का फैसला सामने आ सकता है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी की वजू खाने मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में 20 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। हालांकि जिस जगह शिवलिंग बरामद हुआ है उस जगह को सील कर दिया गया है। इसी बीच महंत कुलपति तिवारी ज्ञानवापी मंदिर में प्रतिदिन भोग आरती के साथ पूजन करने की मांग की एक याचिका लगाई थी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में खजाना होने की बात कहकर मस्जिद का पूरा सर्वे और जांच पड़ताल करने की मांग भी उठाई थी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना करने की अनुमति और अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आज वाराणसी जिला अदालत में पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है लेकिन अदालत ने फैसला अभी नहीं सुनाया है। उम्मीद की जा रही है कि कल यानी मंगलवार को फैसला आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा होगी या नहीं होगी। आपको बता दें पूरे मामले में सुनवाई जारी है और मुख्य सुनवाई की अगर बात की जाए तो 6 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा और एक बड़ी सुनवाई होगी। इससे पहले जो याचिका लगाई गई है वो पूर्व महंत के द्वारा लगाई गई है जो ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि ज्ञानवापी में शिवलिंग बरामद हुए हैं ऐसे में शिवलिंग की पूजा और वहाँ भोग लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिलहाल कल फैसला आ जाएगा और ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी में मस्जिद में शिवलिंग की पूजा और भोग को अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।